हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर जीके से संबंधित जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। 51 क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ अभी आप लोगों को टोटल जो है हिंदी में जानकारी मिलेगा। तो चलिए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर हमारे नए जुड़े होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर के आविष्कारक पूछा गया है, तो इसका जो है राइट आंसर आप लोगों को मिल जाएगा सी, चार्ल्स बेबेज। और यहाँ पर देखेंगे कि जे एस किल्वी जो है एक आईसी के जनक है। आईसी का फुल नेम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसका जो है आईसी का निर्माण जो है तृतीय आप लोगों को पीढ़ी में किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले जो है इनियाक आप लोगों को मिल जाएगा, यह सबसे पहले जो है कंप्यूटर का नाम दिया गया था। और यहाँ पर देखेंगे कि इनियाक का फुल नेम आप लोगों को मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है 1946 ईस्वी में आपका हुआ था। इसका राइट आंसर आप लोगों का मिल जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखेंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो कंप्यूटर के जो क्षेत्र में महान क्रांति है 1960 ईस्वी में आई थी, तो इसका जो है राइट आंसर है, और यह जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का नाम जो है हिंदी संगणक होता है, इसका जो है राइट आंसर है। अगर माउस की बात किया जाए तो माउस का हिंदी नेम जो होता है सूचक होता है, तो इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। माउस का हिंदी नेम क्या होता है? सूचक। और कीबोर्ड की बात किया जाए तो कीबोर्ड का होता है चाबी वेश्यालय। और सीपीयू की बात किया जाए तो सीपीयू का होता है नियंत्रण गद्य इकाई। और मॉनिटर की बात किया जाए तो मॉनिटर का हिंदी नेम होता है पटल। क्लियर है? तो ये आप लोग जो है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का यहां पर जो है पूरा नाम पूछा गया है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप लोगों का हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो यहां पर देखेंगे कि गूगल आप लोगों का क्या है? सर्च इंजन है। और याहू भी क्या है? सर्च इंजन है। और विंडोज भी आपका सर्च इंजन है, लेकिन वाल्फ वार्म अल्फा जो है सर्च इंजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है आपको मिल जाएगा डी, करेक्ट, क्योंकि इसमें जो है पूछा गया नहीं है, तो नहीं में यही आपका है, और बाकी जो है 3 जो है आपका सर्च इंजन है। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? तो इकाई का यहां पर पूछा गया है इनपुट, तो यहां पर माउस जो है आपका इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट इकाई है, और स्कैनर भी आपका इनपुट इकाई है। तो यहां पर आप लोगों को यह मिल जाएगा, सभी आप लोगों को क्या हो गया? इनपुट इकाई है। तो ये इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहां पर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर लिखा गया है 1 किलोबाइट केबी, कितनी केबी यहां पर पूछा गया है, कितने बाइट के बराबर होता है? तो यहां पर किसके बराबर होता है? केबी के। तो केबी के बराबर यहाँ पर जो है 1 किलोबाइट जो है 1024 बाइट के बराबर होता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को मिल जाएगा ए। इसका राइट आंसर आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 1 मेगाबाइट एमबी, मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? यहाँ पर बाइट का पूछा गया है, तो बाइट जो है 1024 केबी के बराबर होता है, किलो बाइट के बराबर होता है। क्लियर है? इसको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 गीगा जीबी कितने बाइट के बराबर होता है?
तो यहाँ पर भी देखेंगे कि 1 गीगाबाइट यहाँ पर पूछा गया है, तो जो है जीबी जो है हमेशा जो है एमबी में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1024 MB, मतलब मेगाबाइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनाते हैं, तो कंप्यूटर में आईसी चिप यहां पर सिलिकॉन से जो है जनरेटेड किया जाता है, इसलिए इसका जो है राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, यहां पर पूछा गया क्या HTTP का पूर्ण रूप, तो यहां पर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पर देखेंगे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर यहां पर यस लगा दिया जाए तो आपका सिक्योर भी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहां पर मिल रहा है डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहां पर राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। बढ़ते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त आशा प्राय कौन सी होती है, तो यहां पर हो जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, लोगो। तो ये आप लोगों को राइट आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुहाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है, तो यहां पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर। तो यहां पर आप लोग जो है लैपटॉप को भी यूज करते हैं, तो यह जो है गोद में रख करके चलाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोड़ातरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसमें प्रोग्राम का रूपांतरण है, तो यहां पर मिल जाएगा इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा कोड़ा लरड़ से मशीन तक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 यहां पर लिखा गया है मल्टी प्रोसेसिंग होता है, तो यहां पर देखेंगे मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो है मल्टी प्रोसेसिंग होता है, अगर एक पार्ट में अगर यूज किया जा रहा है तो ये आप लोगों का हो जाएगा सिंगल, अगर एक से अधिक हो जा रहा है तो ये आप लोगों का हो जाएगा मल्टी। तो यहां पर लिखा गया है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा क्या कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल यहां पर बात किया जा रहा है, तो ऑप्टिकल आप लोगों का हो जाएगा सीडी रोम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो लोग चैनल पर नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। और यहां पर देखेंगे कि इसका क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, तो यहां पर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है सीपीयू के एलयू में होता है, एलयू यहां पर बात किया जाए तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो यहां पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आपको रजिस्टर्ड किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होता है बी, रजिस्टर्ड। तो यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, अभी हम बात करके गए हैं ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी, तो यहां पर आप लोग जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को लगा लीजिएगा ट्रिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्धपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो यहां पर जो है अर्धपूर्ण यहां पर आधा जो प्रोसेसिंग यहां पर कार्य करता है, तो यहां पर प्रोसेस खुद ही बता रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए, प्रोसेस करना। ये आप लोगों को अगर कोई भी प्रोसेसिंग यहाँ पर काम हो रहा है तो चाहे पूरा हो चाहे यहाँ पर आधा, तो वह प्रोसेसिंग करता है, यहां पर किसी भी कार्य को पूरा तरीके से यहां पर संपूर्ण कराना उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। तो आप लोग जो है यहां पर प्रोसेस को ट्रिक लगा के आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्रोसेसर के तीन भाग होते हैं। अब कौन कौन सा होता है यहां पर देखेंगे कि एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड होता है। तो यह हम बात किए हैं कौन कौन सा, एएलयू और सीयू और आर। ये आप लोगों का हो गया रजिस्टर्ड, ये आप लोगों का हो गया कंट्रोल यूनिट, यहां पर बात किया जाए ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी। तो यहां पर बी को लगा करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है? तो यहां पर देखेंगे कि नियंत्रण कौन करता है मूवमेंट, यहां पर बात किया जाए कंट्रोल यूनिट की। तो ये आप लोग जो है कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखेंगे कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या कराता है, मूवमेंट कराता है। तो यहां पर आपका जो है कंट्रोल यूनिट जो है यह कंट्रोल पूरा इसको सिस्टम को देखता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कंट्रोल यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो फंक्शन कौन होता है यहां पर, प्रोसेसिंग। यहां पर देखेंगे सेंट्रल पूछा गया है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यहां पर गणना और प्रोसेसिंग करता है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो बुनियादी यहां पर देखेंगे कि डाटा का प्रोसेस करना, ये आपका बुनियादी कार्य है। और यहां पर लिखा गया है इनपुट को स्वीकार करना। यहां पर देखेंगे कि इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी देता है। तो यहां पर यह भी आप लोगों का हो गया इनपुट को स्वीकारना, यह भी राइट है। और यहां पर लिखा गया है डेटा को स्टोर करना, तो यह भी हो जाएगा। लेकिन यहां पर इसका जो है बुनियादी कार्य नहीं है, तो यह आप लोगों का हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना। तो टेक्स्ट को जो है कंप्यूटर स्कैन यूज नहीं करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिचालन संपन्न करता है, तो परि जो है चालन, यहां पर संपन्न करने वाला कौन होता है, अर्थमैटिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो यहां पर प्रोसेसिंग की बात किया जाए तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30, यहां पर लिखा गया है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो यहां पर देखेंगे अंडरस्टैंड, तो यह पहले ही यह दिख रहा है यहां पर, तो यह आपका जो है अंडरस्टैंड नहीं कार्य करता, प्रोसेसिंग तो कार्य करता है। और यहां पर देखेंगे आउटपुट भी बताया था और इनपुट भी यूज किया गया था। तो यहां पर राइट आंसर इसका हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, यह आपका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31, यहां पर लिखा गया है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो यहां पर हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको लोगों को सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहां पर उसको जो है माइक्रो चिप कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, तो कंप्यूटर द्वारा जो प्रयुक्त किया जाता है, कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलते हैं आउटपुट। अगर यहां पर देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर अगर कोई भी चीज यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है तो वह आप लोगों को आउटपुट कर लाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर साउंड है तो साउंड से अगर यहाँ पर स्पीकर आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो यह आप लोगों को रिजल्ट जो है यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो यहां पर किसके द्वारा किया जाता है, यहां पर सीपीयू द्वारा। तो यह आप लोगों को सीपीयू और प्लस मोबाइल यूज कर सकते हैं, तो यहां पर इसका राइट आंसर बात किया जाए तो यह आप लोगों को हो जाएगा सीपीयू। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस डाटा को जो है प्रोसेस करते हैं, अगर कोई भी प्रक्रिया यहां पर प्रोसेस कहलाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस अभी कर रहा है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी। तो यहां पर इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहां पर लिखा गया है सीपीयू का मुख्य घटक क्या है?
जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर लिखा गया है सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, तो सीपीयू का मुख्य घटक आप लोग देखेंगे कि कंट्रोल यूनिट आप लोगों का है, मेमोरी भी आप लोगों को है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है। तो यहाँ पर इसका मतलब यह हो गया कि यह जो सभी टोटल आप लोगों का मुख्य हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर। तो ये सभी पर आप लोग जो है ट्रिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37। कंप्यूटर की क्षमता, कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो आप लोगों को सीमित दिया गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम दे रहे हैं कि यह हमारे पास 512 जीबी का एक स्टोरेज है, तो इससे हम लोग जो है अधिक स्टोरेज इसमें नहीं कर सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं लेकिन इससे अधिक नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर की जो क्षमता होती है सीमित होती है। क्लियर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 38। कंप्यूटर को किस प्रकार की बदित की संज्ञा दी गई है, तो यहां पर देखेंगे कंप्यूटर को जो है कृत्रिम संज्ञा यहां पर नाम दिया गया, तो कंप्यूटर को जो है कौन सी संज्ञा दिया गया है, तो यहां पर लिखेंगे कंप्यूटर को कृत्रिम संज्ञा का नाम दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो यहां पर लिखेंगे कि सामान्य, ये आप लोगों को जो है सामान्य दिया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन नंबर पर। यहां पर देखेंगे कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, ये आप लोगों को हो जाएगा यहां पर कंप्यूटर रॉन्ग और मानव मन यहां पर हो जाएगा राइट, क्योंकि कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है, मानव है, इसलिए यहां पर मानव को जो अधिक गति जो है सोचने की क्षमता होती है लेकिन कंप्यूटर के नहीं, क्योंकि कंप्यूटर को मानव ने ही बनाया है, इसलिए यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव मन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 41। ईडीपी क्या है, तो यहां पर ईडीपी का या पूर्ण रूप बोल सकते हैं या फुल नेम बोल सकते हैं, तो यहां पर ईडीपी का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 42। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में जो सूचना होता है एकत्रित डेटा को कहा जाता है, क्योंकि यह डेटा आप लोगों को इंफॉर्मेशन जो है स्टोर रखता है एक जगह है, इसलिए यहां पर क्या कहते हैं एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। अगर कोई भी यहां पर इंफॉर्मेशन सूचना मिल रहा है तो आप लोग उसको जो है एकत्रित कर लेते हैं आप बाद में इसको संदेश देने के लिए, ओके। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 43। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में डेटा को चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 44। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो यहां पर हो जाएगा सीपीयू के द्वारा जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखेंगे कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को इनपुट कहते हैं और आने वाले को आउटपुट कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 46। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, तो डेटा प्रोसेसिंग का यहां पर अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 47। एटीएम क्या होता है, तो यहां पर एटीएम जो होता है बिना स्टाफ के नकदी देना, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक के स्टाफ को मुक्त काउंटर, तो यह आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा, बैंक की शाखाएं यह भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यह आप लोगों का इनमें से एक है, एटीएम पूछा गया है, तो ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन यहां पर हो जाएगा बिना स्टाफ के नकदी देना, यह आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डेटा, तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 49। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। ये आप लोगों को क्या करता है, कन्वर्ट करके देता है इसका रिजल्ट। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 प्रथम गणना यंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये आप लोगों का अवेकांश होता है, क्लियर है। 51 जो है क्वेश्चन, आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 51 क्वेश्चन है, पैकमैन नामक सिद्धांत कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया जाता था, तो इसका राइट आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।